हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रिया और मेरी चैनल जर्नी विद फ्लेवर्स में आप सबका स्वागत है। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार और बंगाल की बहुत ही फेमस रेसिपी है, जिसे बंगाली में हम बोलते हैं पोटल पोस्तो, हिंदी में जिसे हम परवल के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में जिसे हम पॉइंटेड ग्राउंड बोलते हैं। और आज उसी की ही रेसिपी हम बनाएंगे विद पॉपी सीड्स, मतलब खसखस के साथ। ये रेसिपी बहुत ही आसान है बनाने में और 10 मिनट में बनके रेडी हो जाती है, तो इस रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है पहले वो रेडी कर लेंगे। एक बोल लेंगे और उसमें कुछ 10 से 15 आमंड्स को हम गर्म पानी में भिगो के 5 मिनट के लिए रख देंगे और उसके साथ साथ 2 साबुत सूखी हुई लाल मिर्च भी भिगो देंगे। मैंने यहाँ आमंड्स का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो कैशू नट्स या तो 4 मगज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। अब और एक बोल लेंगे और उसमें 3 बड़े चम्मच पॉपी सीड्स डाल देंगे यानी कि खसखस, और उसे भी गर्म पानी डालकर भिगो कर रख देंगे 5 मिनट के लिए। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम जितना परवल लिया है और इसे मैंने अच्छे से पील कर लिया है और इसको दोनों हिस्सों में काट लिया है, बिल्कुल ऐसे। आप चाहे तो इसे बिना पील किए भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से धो लेंगे। अब और एक बोल लेंगे और उसमें परवल को हम मैरिनेट करेंगे। पहले ऐड करेंगे नमक 1/2 छोटा चम्मच और हल्दी पाउडर डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच जितना। अब इसे अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट होने के लिए रख देंगे 5 मिनट के लिए। हमने आमंड्स को भी पील कर लिया है, अब इसे पीस लेंगे। एक मिक्सिंग जार लेंगे, उसमें पहले से भिगोए हुए पॉपी सीड्स डाल देंगे, आप आमंड्स और लाल मिर्च भी डाल देंगे और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे, बिल्कुल ऐसे। गर्म पानी में पहले से भिगोने की वजह से ये बिल्कुल अच्छे से एकदम स्मूथ पेस्ट बन चुका है। अब एक कढ़ाई लेंगे और उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे पहले। अब उसके अंदर ऐड करेंगे सरसों का तेल 4 बड़े चम्मच। तेल अच्छे से गर्म हो जाए, अब उसके अंदर ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच कलौंजी। अच्छे से स्प्लैटर होने देंगे। अब मैरिनेट किए हुए परवल डाल देंगे। और इसे हाई हीट में 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब इसे ढक के मीडियम हीट में कुक होने देंगे 2 से 3 मिनट। देखिए हमारे परवल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, नमक 1 छोटा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, अदरक का पेस्ट 1/2 छोटा चम्मच। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब ऐड करेंगे जीरा पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, मिक्स करेंगे। अब ऐड करेंगे पहले से बनाया हुआ आमंड और पॉपी सीड का पेस्ट 3 बड़े चम्मच।
अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और बबल से ऑयल सेपरेट होने तक मीडियम हीट में 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच जितना चीनी। चीनी इसमें ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। और अब 1/2 कप जितना गरम पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करके ढक देंगे इसको और लो हीट में 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। देखिए हमारे पर्वल अच्छे से कुक हो चुके हैं और इसमें से ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे एक सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। लीजिए तैयार हो गए हमारे मजेदार से पोटल पोस्तो, मतलब परवल की एक आसान सी रेसिपी जिसे आप इजीली घर पे बना के तैयार कर सकते हैं 10 मिनट में कम मसालों से, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। और आप इसे गर्मा गर्म रोटी और राइस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ।